नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में जिस प्रकार से आवारा गोवंश सड़कों पर नजर आते हैं, जिसके कारण कई बार सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर अब जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू आवारा पशुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां आज महापौर नगर निगम के हॉन्ग कैंग के साथ जबलपुर की माल गोदाम चौक पहुंचे, जहां पर कार्रवाई करते हुए 8 गोवंश को हॉग गैंग के द्वारा पकड़ा। जबकि महापौर ने सख्त अंदाज में पशुओं के मालिकों से अपील की है कि वह अपने पशुओं को घर में या जिस स्थान पर रखते हैं वहां पर रखें, सड़कों पर आवारा न छोड़े, नहीं तो उन पर कार्रवाई नगर निगम और पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान जो भी व्यक्ति नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट करता है तो उस पर भी नगर निगम कार्रवाई लामबंद होकर कार्रवाई करेगा। जहां माल गोदाम चौक पर स्थित सड़कों पर लगी हुई दुकानों को लेकर भी महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ठेले वालों से हाथ जोड़कर अपील की कि वह अपने ठेलों को फुटपाथ के ऊपर लगाएं, जिसकी सड़कों पर जाम की स्थिति न निर्मित हो। जबलपुर से न्यूज 69 के वाजिद खान की रिपोर्ट। आवारा रूप से छोड़ देते हैं, आज नगर निगम की ओर से कल मैंने निर्देशित किया था कि ताबड़तोड़ कार्रवाई होना चाहिए। पूरे शहर में आज ये 4 बड़े वाहन हमारे और साथ में पुलिस विभाग के सहयोग से आज हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं नगर निगम से। 8 अभी तक मवेशी हमारे गाड़ी में हैं, जहां भी हमको कोई दिखेगा ऐसे आवारा मवेशी या हमारे गौवंश जो हैं उनको हम लोग ले जाकर तिलवारा या मांडवा में वहां जाकर छोड़ेंगे। लगभग 1100 से ज्यादा की संख्या में हमारे पास तिलवारा में अभी गौवंश या मवेशी हैं, और आग्रह भी है साथ साथ में उन लोगों का जो इनके मालिक हैं मवेशियों के, गौवंशों के, कि इनको पूजा करके बहुत अच्छे से रखें। अगर ये आपके काम के नहीं भी हैं तो भी अच्छे से रखें, आवारा रूप से ना छोड़ें। अगर आप छोड़ेंगे तो चालानी कार्रवाई होगी, जब्ती होगी और परमानेंट जब्ती हो जाएगी। आगे आने वाले समय में नगर निगम के जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी साथ में घूमेंगे और बड़ी कार्रवाई है इस मामले में होगी। शहर में आने वाले दिनों में कोई मवेशी ना दिखे, कोई गौवंश आवारा रूप में ना दिखे, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसकी कार्रवाई आज ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो गई। हमारे जो ये लोग हैं ये अपनी जान जोखिम में डालकर रोज किसी न किसी को चोट लगती है, ये कार्रवाई करते हैं। लोग जो मालिक होते हैं एक तो आवारा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर गोली और तलवार लेकर लड़ने भी आते हैं। उनको भी हिदायत है कि गोली और तलवार बिल्कुल लेके ना आए, पूरा नगर निगम उनके खिलाफ लगेगा, पुलिस प्रशासन लगेगा और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अगर हमारे नगर निगम के एक भी कर्मचारी के खिलाफ किसी ने अगर क्राइम किया तो उनको बड़े भुगतान भुगतने होंगे, यह बिल्कुल तय है। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, गौवंश के जो मालिक हैं उनके ऊपर भी अब हम लोग FIR दर्ज कराना शुरू करेंगे। अगर आवारा रूप से उन्होंने छोड़ा तो हम लोग उनके ऊपर भी FIR दर्ज कराएंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।